झज्जर के नेहरू कॉलेज के ऑडिटोरियम में दास्तान रोहनाथ नाटक का मंचन किया गया। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा ये नाटक तैयार किया गया था। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान ही सरकार का ये फैसला था कि भारत के उन महान सपूतों को याद किया जाए जो कि इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए, जिन्हें जाने अनजाने भुला दिया गया। ऐसे ही तीन योद्धा हुए हैं, नंदाराम बिरला दास और रूपराम, जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए, लेकिन ये योद्धा देश के लिए अपना फर्ज निभा गए। इस नाटक का निर्देशन संगीत नाटक अकादमी सम्मान के उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से सम्मानित मनीष जोशी ने किया है। दास्ताने रोहनाथ में करीब 20 कलाकार हरियाणा की धरती से जुड़ी इस महत्वपूर्ण घटना का करीब सवा घंटे तक जीवन मंचन करेंगे। लाइट एंड साउंड शो के साथ ख्याति प्राप्त रंगकर्मी अपने अभिनय से रोहनाथ के वीरों की दास्तान का जीवंत मंचन किया। उपायुक्त शक्ति सिंह ने इस मंचन की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का ये एक तरह से अच्छा फैसला था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिसार जिले में रहे गांव रोहनाथ वर्तमान में भिवानी जिला का अपना एक अलग इतिहास है। ये भारत का एक ऐसा गांव है जिसने आजादी के 71 साल बाद भी तिरंगा नहीं फहराया था, लेकिन सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल में इस गांव में धूमधाम से तिरंगा झंडा फहराया गया। नाटक के जरिए इस गांव के वीर योद्धाओं की गाथा कही गई जो कि बेहद प्रशंसनीय थी। हरियाणा सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को अपने हमारी अपनी ही विरासत से अपने ही इतिहास की जानकारी देने का ये जो अनूठा प्रयास शुरू किया है ये बहुत ही सराहनीय है। लोगों को आई एम वेरी श्योर कि सभी दर्शकों ने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और रोहनाथ गांव के इतना नज़दीक रहने के बावजूद हम लोगों को भी इस इतिहास के बारे में नहीं पता, तो ये एक बहुत अच्छी श्रृंखला शुरू की है। मैं खासतौर पर इस नाटक के जो लेखक और निर्देशक हैं उनको बधाई देना चाहूँगा, सभी कलाकारों को बधाई देना चाहूँगा, और उससे भी ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगा सभी दर्शकों को जिन्होंने इतनी शांति के साथ इतना इन्वॉल्व होकर के इस नाटक को देखा है। इस तरह से हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और हमें खुद पर गर्व होता है कि हमारे हरियाणा के लोगों ने देश की आज़ादी में कितना अहम योगदान किया है। सर, बारिश